श्रापित जगह जहां आज भी श्रापित आत्माओं का बसेरा है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। आज की इस वीडियो में आप उन जगह के बारे में जानोगे जिनका खुद का एक इतिहास है और आज तक कोई भी इनका रहस्य सुलझा नहीं पाया। नंबर 1, डॉ हिल स्टेशन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का ये हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरत होने के साथ ही ये बहुत हॉन्टेड और श्रापित है। यहाँ के खूबसूरत जंगलों के बीच एक रास्ता जाता है जिसे मौत का रास्ता कहा जाता है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इस रास्ते पे एक ऐसे लड़के की आत्मा को देखा जाता है जिसका सिर ही गायब है, और जब वहाँ कोई जाता है तब लोग कुछ देख तो नहीं पाते पर महसूस ज़रूर करते हैं कि कोई उनके आसपास है। और वहाँ जाने वाले विजिटर जब उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तब उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा या महसूस किया हो। नंबर 2, भानगढ़ का किला। दोस्तों, राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला श्रापित जगहों में अपनी अलग ही पहचान रखता है। ये किला यहाँ पर मौजूद अनगिनत आत्माओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कोई भी इंसान रात में नहीं रुकता और ना ही उन्हें रुकने दिया जाता है, और इन सब का कारण है इस जगह को लगा बहुत ही खतरनाक एक श्राप। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ की रानी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी, लेकिन एक सिद्धू सेवड़ा नामक तांत्रिक की बुरी नज़र रानी रत्नावती पर थी और तांत्रिक रानी को किसी भी हालत में पाना चाहता था। पर एक दिन तांत्रिक ने रानी की दासी को रानी के लिए इत्र लेते देखा, तो उस तांत्रिक ने इत्र पर काला जादू कर दिया कि जो उस इत्र को लगाएगा वो उसके बस में हो जाएगा और उसकी तरफ खींचा चलाएगा। लेकिन रानी रत्नावती इतनी चालाक थी कि वो इत्र को देखते ही समझ गई कि इत्र पे काला जादू किया गया है। और फिर क्या था, रानी ने उस इत्र की सीसी को एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। काला जादू की वजह से वो बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा के ऊपर जा गिरा। लेकिन दोस्तों, मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और हर जिंदा चीज मर जाएगी, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा यहीं पर कैद होकर रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और तब से लेकर आज तक उस तांत्रिक और गांव वालों की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है और किसी को यहाँ रुकने नहीं देती, इसीलिए सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आप भानगढ़ में क्या ओपिनियन रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।